दुनिया में सबसे बड़ा गम होता है इंसान के दिल के टूट जाने का सदमा। 1927 में कुछ ऐसा ही एरिजोना में प्रेस्कॉट के एक होटल में हुआ था, जब एक लड़की का दिल टूटा था। उस टूटे दिल की तड़प आज भी उस होटल में गूंजती है। उस लड़की के दुख के आंसुओं ने उस होटल को भिगो कर रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फेथ समर्स नाम की एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ हनीमून मनाने के लिए इस होटल के रूम नंबर 426 में रहने आई थी। अगले दिन उसका पति सिगरेट खरीदने होटल से बाहर गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। किसी को नहीं पता चला कि वो आखिर गया कहां। उस दिन के बाद उसे किसी ने नहीं देखा। फेथ 3 दिन तक होटल के उस कमरे में उसका इंतजार करती रही। इसके बाद जब उसकी तकलीफ ने सारी हदें पार कर ली तो फेथ ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उस डरावने दिन से लेकर आज तक दुल्हन की आत्मा उस होटल में भटक रही है। वो चाहकर भी उस होटल को छोड़ नहीं पाती। होटल में आने वाले कई पर्यटकों और होटल स्टाफ ने कई बार उसे होटल के गलियारों में भटकते हुए देखा है। कहा जाता है कि आज भी लोगों को कमरा नंबर 426 में मौजूद बेड के किनारे पर फेथ के रोने की आवाजें सुनाई देती है। इस कमरे की भी कुछ अजीब कहानियां हैं। जब भी कोई औरत इस कमरे में रहने आती है तो फेथ अपना प्यार जताते हुए उसके पैरों की मसाज कर उन्हें आराम देती है। पर जब भी कोई मर्द इस कमरे में रहने आता है तो उसे रात को डरावने सपने आते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।